जन गण मन। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, मैं एक पराजित योद्धा हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपदेश नहीं है। इसलिए नहीं कि मुझे बैठा दिया गया है प्यास के पहाड़ों पर, कि मेरी आंखों में टांग दिया गया है भूख का भूगोल, कि मेरी अंतड़ियों को मरोड़कर भींच दिया गया है मुट्ठियों के बीच, कि मेरी आत्मा पर पतन का अंतिम प्रहार कर दिया गया है। वरन इसलिए कि ना तो मौत आती है, ना मैं ये बात भूल पाता हूं कि मैं एक योद्धा हूं और पराजित हो गया हूं। मैं एक पराजित योद्धा हूं और पड़ गया हूं मौत का बिस्तर बिछाकर जलते हुए समंदर की वड़वाग्नि में। मैं सोचता हूं कि मैं बुरा फंसा, मौत सोचती है कि मैं बुरे फंसी, समंदर सोचता है कि मैं बुरे फंसा, अग्नि समझती है कि मैं बुरे फंसा। मैं सोचता हूं कि यह मौत मुझे मारे बिना छोड़ेगी नहीं, मौत सोचती है कि यह आदमी तो मरेगा नहीं, समंदर सोचता है कि इस झगड़े का तो कोई अंत ही नहीं है, अग्नि सोचती है कि जब तक अंत नहीं होगा तब तक जलना होगा। फिलहाल मैं एक पराजित योद्धा हूं और पड़ गया हूं मौत का बिस्तर बिछाकर जलते हुए समंदर की बड़वाग्नि में। मैं भी मरूंगा, भारत भाग्य विधाता भी मरेगा, मरना जन गण मन अधिनायक को भी पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जन गण मन अधिनायक मरे, फिर भारत भाग्य विधाता मरे, फिर साधु के काका मरे, यानी सारे बड़े बड़े लोग पहले मर लें, फिर मैं मरूं। उधर चलकर बसंत ऋतु में जब दानों में दूध, आमों में बौर आ जाता है, या फिर तब जब महुआ चूने लगता है, या फिर तब जब बनबेला फूलती है, नदी किनारे मेरी चिता दहक कर महके और मित्र सब करें दिल्लगी कि यह विद्रोही भी क्या तगड़ा कवि था जो सारे बड़े बड़े लोगों को मारकर तब मरा। ये जो कविता मैंने आपको सुनाई, ये रमाशंकर यादव विद्रोही की कविता है और उनका ये कविता संग्रह आया है नई खेती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रमाशंकर यादव विद्रोही कवि कौन है, तो मैं आपको बताऊं कि रमाशंकर यादव विद्रोही 5 दिसंबर 1957 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अहिरी फिरोजपुर गांव में जन्मे थे। इनकी मां गायिका थी। सरस्वती इंटर कॉलेज उमरी और संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज बरुआरीपुर से इंटर बीए के बाद इन्होंने केएनआई सुल्तानपुर से वकालत की अधूरी पढ़ाई की। इनकी पत्नी शिक्षित थी शांति देवी, उन्होंने इन्हें और पढ़ने की प्रेरणा दी। 1980 में वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमए हिंदी की पढ़ाई करने आए। 1983 के छात्र आंदोलन में सक्रियता के कारण 8 मई 1983 को उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अधूरी शिक्षा और एक से अधिक दफा निकाले जाने के बाद भी 33 साल तक वो जेएनयू में ही रहे। जेएनयू छात्र संघ के नेतृत्व में ऑक्यूपाई यूजीसी आंदोलन में भाग लेते हुए 8 दिसंबर 2015 को दिल्ली में विद्रोही जी ने अंतिम सांस ली। तो ये हैं रमाशंकर यादव विद्रोही, जिनकी कविता मैंने आपको सुनाई। अब मैं आपको उनकी एक और कविता सुनाता हूं। इसका शीर्षक है गुलाम। वो तो देवयानी का ही मर्तबा था कि सह लिया सांच की आंच, वरना बहुत लंबी नाक थी ययाति की। नाक में नासूर है और नाक की फुफकार है, नाक विद्रोही की भी शमशीर है, तलवार है, जज्बात कुछ ऐसा कि सातों समंदर पार है। ये सर नहीं गुंबद है कोई पीसा की मीनार है, ये गिरा तो आदमियत का अकीदा गिर पड़ेगा, ये गिरा तो बुलंदियों का पेंदा गिर पड़ेगा, ये गिरा तो मोहब्बत का घरौंदा गिर पड़ेगा, इश्क और हुस्न दोनों का दीदा गिर पड़ेगा। इसलिए रहता हूँ जिंदा, वरना कब का मर चुका हूँ, मैं काशी में नहीं ही नहीं रूमान में भी बिक चुका हूँ। हर जगह ऐसी ही जिल्लत, हर जगह ऐसी जहालत, हर जगह पर है पुलिस, हर जगह पर है अदालत, हर जगह पर पुरोहित, हर जगह नरमेघ है, हर जगह कमजोर मारा जा रहा है, खेद है। शूलियां ही हर जगह पर निजामों की निशान हैं, हर जगह पर फांसियां लटकाए जाते हैं गुलाम, हर जगह औरतों को मारा पीटा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, खोदा गाड़ा जा रहा है, हर जगह पर खून है, हर जगह पर आंसू बिछे हैं, ये कलम है सरहदों के पार भी नगमे लिखे हैं। आपको बतलाऊं मैं इतिहास की शुरुआत को, किस लिए बारात दरवाजे पे आई रात को, ले गई दुल्हन उठाकर और मंडप को गिराकर,
एक दुल्हन के लिए आए कई दुल्हे मिलाकर जंग कुछ ऐसा मचाया कि तंग दुनिया हो गई, मरने वाले की चिता पर जिंदा औरत सो गई। तब बजे घड़ियाल, पंडे शंख घंटे घनघनाए, फौजों ने भोपू बजाए, पुलिस ने तुरही बजाई, मंत्रोच्चारण यूं हुआ कि मंगलम औरत सती हो, जीते जी जलती रहे जिस भी औरत के पति हो। तब बने बाजार और बाजार में सामान आए, बाद में सामान की गिनती में खुद इंसान आए, बगदाद और बदखशा में खुल्ला बिकते थे गुलाम, सीरिया और काहिरा में पट्टा होते थे गुलाम, बेतलहम यरूशलम में गिरवी होते थे गुलाम, रोम में कापुआ में रहन होते थे गुलाम, मंचूरिया शंघाई में नीलाम होते थे गुलाम, मगध कौशल काशी में बेनामी होते थे गुलाम, और सारी दुनिया में किराए पर उठते थे गुलाम। पर वाह रे मेरा जमाना और वाह रे भगवा हुकूमत, अब सरे बाजार में खैरात बटते हैं गुलाम। लोग कहते हैं कि लोगों पहले ऐसा न था, पर मैं तो कहता हूं कि लोगों कब कहां कैसा न था। दुनिया के बाजार में सबसे पहले क्या बिका था, तो सबसे पहले दोस्तों बंदर का बच्चा बिका था, और बाद में तो डार्विन ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि वो जो बंदर का बच्चा था बंदर नहीं आदमी था। एक कविता और सुनाता हूं मैं आपको, रमाशंकर यादव विद्रोही की। हम गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे। अब विद्रोही जी हैं तो विद्रोह की ही बातें करेंगे। इस जमाने में जिनका जमाना है भाई, उन्हीं के जमाने में रहते हैं हम, उन्हीं की हैं सहते, उन्हीं की हैं कहते, उन्हीं की खातिर दिन रात बहते हैं हम। ये उन्हीं का हुक्म है जो मैं कह रहा हूं, उनके सम्मान में मैं कलम तोड़ दूं, ये उन्हीं का हुक्म है सबके लिए और मेरे लिए कि मैं हक छोड़ दूं। लोग हक छोड़ दें पर मैं क्यों छोड़ दूं। मैं तो हक की लड़ाई का हमवार हूं, मैं बताऊं कि मेरी कमर तोड़ दो, मेरा सिर फोड़ दो, किंतु यह ना कहो कि हक छोड़ दो। आपसे कह रहा हूं अपनी तरह, अपनी दिक्कत को सबसे जिरह कर रहा, मुझको लगता है कि मैं गुनहगार हूं, क्योंकि रहता हूं मैं कैदियों की तरह, मुझको लगता है मेरा वतन जेल है, यह वतन छोड़कर रब कहां जाऊंगा, अब कहां जाऊंगा जब वतन जेल है, जब सभी कैद हैं तो मैं कहां जाऊंगा। मैं तो सब कैदियों से यही कह रहा, आओ उनके हुक्म की उदूली करें, पर सब पूछते हैं वो कौन है, कहां रहता है। मैं बताऊं कि वो एक जल्लाद है, वो वही है जो कहता है हक छोड़ दो। तुम यहां से वहां तक कहीं देख लो, गांव को देख लो, शहर देख लो, अपना घर देख लो, अपने को देख लो, इस हक की लड़ाई में तुम किस तरफ हो। आपसे कह रहा हूं अब अपनी तरह कि मैं सताए हुओं की तरफ हूं, और जो भी सताए हुओं की तरफ है उसको समझता हूं कि अपनी तरफ है, उनकी तरफ इसके उल्टी तरफ है। उधर उस तरफ आप मत जाइए, जाइए पर अकेले में मत जाइए, ऐसे जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। आइए अब हमारी तरफ आइए, आइए इस तरफ ही सही राह है, सही चाह है। हम कौन हैं? क्या यह भी नहीं ज्ञात है? हम कमेरों की भी क्या कोई जात है? हम कमाने के खाने का प्रचार ले, अपना परचम लिए, अपना मेला लिए, आखिरी फैसले के लिए जाएंगे, अपनी महफिल लिए, अपना डेरा लिए, उधर उस तरफ जालिमों की तरफ, उनसे कहने कि गर्दन झुकाओ चलो, अब गुनाहों को अपने कबूलो चलो, दोस्तों उस घड़ी के लिए अब चलो, और अभी से चलो उस खुशी के लिए जिसकी खातिर लड़ाई ये छेड़ी गई, जो शुरू से अभी तक चली आ रही और चली जाएगी अंत के अंत तक। हम गुलामों की अंतिम हदों तक लड़ेंगे। तो रमाशंकर विद्रोही की ये कविताएं थी, नई खेती नाम का उनका कविता संग्रह है, और इसको नवारुण पब्लिकेशन ने छापा है। उम्मीद है आपको ये कविताएं पसंद आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही।